बोकारो विधानसभा क्षेत्र से आज भाजपा के निवर्तमान विधायक ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इससे पूर्व उन्होंने राम मंदिर से पूजा अर्चना के साथ बाजे गाजे के साथ निकाला कारवां, जो शहर के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग वाहनों के साथ शामिल हुए। यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपने जीत के प्रति आश्वस्त दिखे और कहा कि पिछले 35 वर्षों में जो विकास नहीं हुआ था, मैंने पिछले 5 वर्षों में जो विकास किया है, मुझे अपने वोटरों पर पूरा भरोसा है, मैं उनकी कसौटी पर खड़ा उतरा हूं। न्यूजीलैंड के लिए बोकारो से सत्येंद्र गिरी की रिपोर्ट। आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पूरी तरह से विकास के मुद्दे पर जाऊंगा जनता के बीच में। केंद्र की हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य की माननीय रघुवर दास जी की सरकार, हमारे सांसद महोदय और मैंने मिलकर जनता की सेवा की है। और मैं समझता हूँ कि पिछले 35 साल में जितने काम नहीं हुए, उससे ज़्यादा काम हम लोगों ने 5 साल में किए हैं। यही एक खास विषय को लेकर हम जनता के बीच जाने 100% जिस तरह से पिछले बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया और बोकारो विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे पिछली बार रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी यहां जीती थी, इस बार भी पार्टी यहां रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। न्यूज़लेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है